हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं ऐसे टेक्नोलॉजी, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, वो भी अलग अलग, लेकिन हम इस वीडियो में सेम उसी को मॉडिफाई करने जा रहे हैं। देखिए इस तरीके से था, कुछ सेम मॉडिफाई करने जा रहे हैं कि हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं सबको, और सबको एक ही लाइन में उस यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और उसको किस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सारा सेम होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इन सब में सिर्फ बदलाव आएगा इन सब में, ये कोड हम जो है ना इसको क्लीन कर देंगे, इन सब को हटा देंगे यहाँ से। तो चलिए सबको मैं शुरू से काम करता हूँ, बेस्ट रहेगा, समझने में भी आसान है ना। तो चलिए करते हैं। तो क्या करते हैं कि यूजर से नाम लेते हैं उसका, फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम भी लेते हैं। तो उसके लिए आपको कॉमा देना होता है, यानी कि कॉमा से सेपरेट करना होता है फर्स्ट नेम और जो जो आपको जितना आपको वेरिएबल चाहिए यूजर से, और लास्ट टाइम भी लेते हैं उससे, और उसके साथ साथ उसका एज भी लेंगे। आप एज ले लें या उसका जो बर्थडे हो या कुछ ले लें, आप जो आपकी मर्जी। मुझे अच्छा लगता है, मैं भी डी लेता हूँ। चलो यूजर से मैंने 3 ले लिया। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं, उससे मैंने उसका फ़ोन नंबर भी लेना है, 4 चीज़ लेना है उससे यूजर से। उसके बाद मैं चारों को उसे इनपुट करवाने कर दो बोलना है। तो सेम वही तरीका है यहाँ पे, कुछ भी मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सेम वही तरीके से है। लेकिन हमें जो इससे 4 बार हम कर रहे थे उसको अब एक ही लाइन में लिख रहे हैं कॉमा से सेपरेट करके। इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है कि जो आपको यूजर से यूजर को कहना है कि भाई तो ये कर, वही आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आप जैसा चाहें आप उस तरीके से उसे यूजर से बोल सकते हैं, तो ये कर ये कर, जो आपकी मर्ज़ी। मैं ये बोलने जा रहा हूँ यूजर को कि भाई तू इंटर कर दे। तो रिस्पेक्ट करता हूँ, प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम, और मैं यहाँ पे सेपरेट करता हूँ कॉमा से, आपको समझ आ रहा है ना। एंड लास्ट नेम, लास्ट नेम और क्या है, बीडे है और है फोन नंबर, 4 इनपुट करते बोलना है। अगर जब चारों को इनपुट करेगा यूजर, तो हमें उसे क्या करना है कि अगर 4, 5, 6 या 10 या 20 जितना भी हो, अगर आपको एक ही लाइन में लेना है इनपुट, तो आपको लिखना होता है ना स्प्लिट, एक होता है, और इसको डबल इसे को लगा देना होता है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा, अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं हमेशा यही रहता हूँ। आप जब भी चाहें मुझे इसमें से ईमेल कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ दो चीज़ ध्यान में रखना है कि जब आप लिखते हो तो आपको एक कॉमा नहीं बोलना है, जितना आप लिखना ना जितना वेरिएबल बनाना है आपको 4, 5, 6, 10, उसको सबको मुझे क्या करना होता है कॉमा में सेपरेट कर देना होता है। उसके बाद में ये जो आपको बोलना है इधर से, वो तो आप जो चाहो यहाँ पर लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्ज़ी है। मैं अब देखो क्या लिख रहा हूँ, लास्ट को लास्ट लिख दिया पता क्या। तो ये हो गया। तो इस तरीके से यूजर यूजर क्या करेगा, समझ जाएगा कि मुझे क्या इंटर करना है, फर्स्ट नेम करना है, लास्ट नेम करना है, बर्थडे करना है और फ़ोन नंबर करना है। तो जो मुझे चाहिए था 4 था, और 4 को मैंने उसको बता दिया कि 4 इनपुट कर दो। लेकिन अगर 4 आपको अगर एक से ज़्यादा इनपुट करवाना है एक लाइन में, तो क्या करना होता है आपको, ये डॉट और स्पेस लिखना होता है। ये पाइथन का एक फंक्शन है जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप याद कर लो, इसको काम भी लगेगा, क्योंकि आपको जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो हम एक रियल लाइफ का एप्लीकेशन बनाएंगे। तो क्या होता है कि जब हम रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाएंगे, तो हम इसको 4 लाइन में नहीं लिख सकते वहाँ पे। अगर आप इसी को 4 लाइन से 4 बार इनपुट लोगे ना, तो क्या हो जाएगा कि हमारा प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा क्लीन नहीं रहता है। तो हमें क्लीन रखने के लिए अपना कोड ना कुछ ऐसा करते हैं हम कि कोड छोटा भी रहे और लोगों को समझ भी आए। इसीलिए देखिए, यूजर से जब भी इनपुट लेना होता है, तो आप एक ही लाइन में यूजर से इनपुट ले लो, बहुत आसानी तरीके से जाता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहे हो ना, तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कुछ लिख रहे हो तो बेस्ट होता है। तो चलिए पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ना लिखें तो क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर आ गया। अब मैं सेम वही तरीके से मैं उसका फुल नेम ले लेता हूँ यूजर का। आपको पता है ना फुल नेम में क्या होता है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम।
पहला फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को मैंने ऐड करवा दिया जो बन गया फुल नेम। उसके बाद में जो यहाँ पे बर्थडे है ना, वो तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये अभी तक किसके अंदर है, ब्राकेट के अंदर है। तो ब्राकेट के अंदर क्या होता है कि हमेशा ये स्ट्रिंग होता है ना, इसीलिए हमें जो ये है इसको क्या किस में कन्वर्ट करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा हमें इंटीजर में। तो उसके लिए मैं इसको कर देता हूँ, करता हूँ एज इजकल टू, अब 2018 ही है, माइनस BT कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे नहीं घटा सकते, अभी अभी नहीं घटेगा ये, माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा माइनस? क्योंकि ये तो जो है ना ये इंटीजर है, लेकिन जो ए है ये क्या है, अभी तो इसके अंदर है। यानी कि आपको मैं 10 बार ये समझा रहा हूँ कि जो इसके अंदर होगा वो आप ऐसा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो आप इंटीजर से स्ट्रिंग नहीं घटा सकते, उसके लिए क्या करना होता है आपको, सिंपली INT में चेंज करना होता है। तो मैंने इसको INT पे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। और ध्यान में रखिए आपको यहाँ पे नहीं करना है INT में चेंज, थोड़ा कोड जो होता ना क्लीन नहीं दिखाया जाता कि आप इस वाला यहीं पे चेंज कर दो, तो क्लीन नहीं दिखाया जाता। यहाँ पे देखिए कितना क्लीन लग रहा है ये, कि जो यहाँ पे एज आ रहा है उसको मैंने INT पे चेंज कर दिया, उसके बाद में एज में कन्वर्ट करवा दिया। और जो फ़ोन नंबर है ना उसमें हमें कभी भी प्लस माइनस या गुणा भाग नहीं करना होता है, क्योंकि फ़ोन नंबर एक ही होता है हमेशा, और उस पर हमें मल्टीपल मल्टीपल कुछ नहीं करना होता। तो इसीलिए आप इसको ना चेंज ही ना करो, इसको आप इंटीजर में चेंज ना करो। अगर आप चाहते तो आप कर भी सकते हो, लेकिन ना करो तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या होता है कि ये इसको इसके साथ हमें तो कुछ छेड़खानी करना नहीं होता, नहीं जो यूज़र पुट इनपुट करता है फ़ोन नंबर, हमें वही इनपुट दिखाना होता है उसे। ये तो है नहीं कि उसके फ़ोन नंबर में ये ऐड करके दिखाऊंगा या उसके फ़ोन नंबर में मैं कुछ माइनस करके दिखाऊंगा, अच्छा तो होता नहीं कभी भी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको करना है तो आप इसे चेंज करवा सकते हैं। तो चलिए मैं इस तरीके से रखता हूँ कि सिर्फ मुझे इसे चेंज करना था INT में, इसको नहीं करना था, इसको भी नहीं करना था, क्योंकि ये नेम हमेशा स्ट्रिंग ही होता है। तो अब मैं प्रिंट करवा लेता हूँ इनको भी और इन फ़ोन नंबर को भी। तो उसके लिए बहुत आसानी से आप प्रिंट लिखिए, और मैं वही तरीका लगाता हूँ जिस तरीके से मैंने पहले EF लगा के किया था। तो मैं यह पहले ही लगा देता हूँ। उसके बाद में लिखता हूँ योर फुल नेम इज, तो अब फुल नेम मुझे ये प्रिंट करवाना है ना, फुल नेम, तो लिखता हूँ वही, और वही इसके अंदर लिखता हूँ, एक ही बार लिखता हूँ फुल अंडर स्कोर नेम, बन गया योर फुल नेम इज, कुछ ना कुछ नाम तो आएगा जो इनपुट करेगा, और या मैं यू आर कितने ईयर ओल्ड है, जो एज होगा ना वो यहाँ पे कर देते हैं, मैं कर देता हूँ एज, बन गया ना। अब जो भी इनपुट करेगा यूजर उसका नाम वो आ जाएगा एंड फोन नंबर, जो आप चाहते हो आप यहाँ पे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से इसको वेरिएबल को इसके बीच में प्रिंट करवा सकते हैं। अब जो फ़ोन नंबर है मैं ऊपर से उठा लेता हूँ, ये जो है उसको ही मैं यहाँ पे ले आता हूँ, क्योंकि फ़ोन नंबर हमेशा चेंज नहीं करना होता हमें। तो आपको समझ आ गया होगा शायद कि EF लगा दिया इसका मतलब मुझे इसके अंदर कुछ वेरिएबल प्रिंट करवाना है, और फर्स्ट वेरिएबल करवाना है योर फुल नेम इज, जो यहाँ पे नेम यूजर चाहेगा वो आएगा, और एज जो यहाँ पे आएगा, और फ़ोन नंबर जो यहाँ से आ रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसे क्लीन करता हूँ, उसके बाद में मैं इसको रन करवाता हूँ पाइथन UI.py। अब अपना देखिए एक ही लाइन में सारा बता रहा है कि सारा एक ही लाइन में कर दो, तो देखिए एक ही लाइन में सारा आ रहा है। तो क्या करना होता है, मुझे राजेश लिख दिया मैंने, अच्छा यहाँ पे इंटरनेट लिखने के एशिया लिख दिया मैंने, फर्स्ट नेम हो गया। अब यहाँ पे आपको कॉमा नहीं देना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है ना कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसके लिए जब आप इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते हो ना, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे स्पेस देना होता है इस तरीके से। यानी कि मैंने जो फर्स्ट नेम लिखना चाहता था मैं, वो फर्स्ट नेम बन जाएगा, जो यहाँ पे फर्स्ट नेम है ना ये फर्स्ट नेम बन जाएगा अब एशियन, और जो सेकेंड नेम के लिए है वो दोनों के बीच में ना यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे देखिए कॉमा है। लेकिन अब हम जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा रहे हैं ना, तो हमें दोनों दो वेरिएबल के बीच में, इस दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे स्पेस देना होगा एक, यानी कि स्पेस हो गया, यानी कि फर्स्ट नेम जो था ना वो बन गया एशियन, और जो सेकेंड नेम बनेगा आप टेक्नोलॉजी बन गया। अब फिर मैं जब स्पेस दूंगा ना, तो
आप जो लिखूंगा वो थर्ड वेरिएबल बनेगा ये, तो उसको मैं क्या करता हूँ 90 90, उसके बाद मैं यहाँ पे फिर दूंगा स्पेस, स्पेस दूंगा तो क्या बन जाएगा, अब लास्ट आ गया ये, तो इसका लिखता हूँ 1 2 3 4, जो आप चाहो आप करवा सकते हो। मैं इंटर करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे जो आना था सारा प्रिंट होके आ गया मेरे सामने, तो दिखाता हूँ आपको क्या आया। फुल नेम इज एशियन टेक्नोलॉजी आ गया, यू आर 28 ईयर आ गया, मैं 20 ईयर ईयर नहीं लिखा था इसलिए नहीं आया, मैं चाहूँगा यहाँ पे लिख सकता हूँ लेकिन अभी करने से गया होगा, अभी तो आएगा ही नहीं। एंड फोन नंबर ये आ गया जो यूजर यहाँ पे इनपुट किया था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से आ रहा है ना। तो और दूसरी बात, हमने जो एक ही में करवाया ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यूजर को कैसे बता सकते हैं कि यार इसको स्पेस ही करना है। अगर बोल के यूजर ने यहाँ पे कॉमा कर दिया या इंटर कर दिया, यहाँ पे कॉमा कर दिया या इंटर कर दिया, तो फिर आउटपुट तो नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यूजर को यहाँ पे बताते भी हैं कि किस तरीके से आपको सेपरेट करना है। तो प्लीज़ इंटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम लास्ट नेम एंड फोन नंबर एंड सेपरेट विथ, आपको क्या किससे करवाना है, कॉमा या कुछ क्या। मैं कॉमा से करवा देता हूँ, सेपरेट कॉमा सिंपल तरीके से। तो मैं थोड़ा सा इसे कर ले आता हूँ। अब देखिए जब आपको कॉमा से सेपरेट करवाना है ना, तो इसके अंदर क्या करेंगे आप, डबल कोट लगा के कॉमा एक कर देंगे, यानी कि हमें जो जो यहाँ पे बीच में जो अभी तक मैंने क्या किया था कि बीच में एक स्पेस दिया था ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके बीच में कुछ भी नहीं किया था। तो जब आपको बीच में कॉमा से सेपरेट करवाना हो तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग का ये साइन दे देंगे, उसके बीच में आप कॉमा लगा देंगे। अगर आपको यहाँ पे एंड लिखेंगे आप, तो यहाँ पे हर हर जो होगा ना इसके अंदर हर वेरिएबल के बाद में आपको जब एंड लिखेंगे तभी जाकर अलग वेरिएबल बनेगा, तो एंड वाला थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कभी भी जो इनपुट करेगा यूजर वो तब तक फर्स्ट वेरिएबल रहेगा जब तक वो कॉमा नहीं देगा, यानी कि मैंने कॉमा से सेपरेट करवाना है वेरिएबल को अलग अलग। तो चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल यस, दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए अब क्या रहा है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम लास्ट नेम बर्थडे एंड द फुल नेम एंड सेपरेट विथ कॉमा, यानी कि अब जितना भी मुझे वेरिएबल बनाना है उसे कॉमा से सेपरेट करना होगा। तो एशियन फर्स्ट वेरिएबल बन गया जो यहाँ पे फर्स्ट नेम था, अब मुझे कॉमा देना है। अब जो सेकंड नेम बनेगा टेक्नोलॉजी बन गया तो यहाँ पे था, फिर मुझे कॉमा देना है। अब जो यहाँ पे बीडे है और इसको कुछ दे सकता हूँ 90 90, फिर मुझे कॉमा देना है, यानी कि जो आप इसके अंदर लिखोगे ना वही यहाँ पे देना होगा, लेकिन जो इसके अंदर आप लिखेंगे वो यूजर को बता भी देंगे कि मैं आपको कैसे करना है ना, तो यूजर को पता नहीं चलेगा कि यार किस चीज़ मुझे सेपरेट करना है। चलिए ये हो गया 90 90, उसके बाद मेरा लास्ट फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ। अब जब आप इंटर करेंगे तो ये देखिए प्रिंट हो गया। तो ये है बेस्ट तरीका कि आप कॉमा से सेपरेट करवाने करना है यूजर से, आप यूजर को आप बता भी दो, नहीं तो यूजर बेचारा कैसे पता चलेगा उसको कि मुझे यार कॉमा दे के सबमिट करना है या स्पेस दे के करना है या इंटर करके करना है। तो ये होता है, आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग करते हो आप, तो आप क्लीन करो और यूजर को इजी हो जाए आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करने में, कभी भी उसको दिक्कत ना हो यार, कभी वो समझ ना, ऐसा ना हो कि वो समझ ही ना पाए कि मैं क्या करना है, मुझे कैसे मुझे रन करना है कोड को। तो अगर आप वैसा कुछ करोगे ना तो हमारा सॉफ्टवेयर कोई यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि यूजर को बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमेशा आप जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे आप ना भूलो कि कॉमा दे के डबल कोट दे के उसके अंदर जो जैसे आप करवाना चाहते हो सेपरेट, उससे आप करवा सकते हो। मुझे लगता है अच्छा लगता है कॉमा, मैं जब भी अपना कोई भी एप्लीकेशन बनाता हूँ तो मैं उसे कॉमा से ही सेपरेट करवाता हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप वहाँ पे इंटर लिख सकते हो तो आप वो जब इंटर करेगा तभी जाके सेपरेट होगा, आपकी मर्ज़ी जैसा आप चाहें, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि कॉमा से यूज करवाएं बेस्ट तरीका होता है और अच्छी अच्छी प्रैक्टिस भी होता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट करवा सकते हैं यूजर से। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और वहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन भी होगा शायद, देख सकते हो आप,
उसको सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं पाइथन का कंप्लीट कोर्स लेके आया हूँ जिसमें आप एक बेस्ट पाइथन डेवलपर बन सकते हैं, वो भी एकदम जीरो लेवल से एकदम हाईएस्ट लेवल तक। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिना कोई टेंशन हमेशा मुझे फेसबुक पे या कहीं भी आप इसमें छोड़ दो, इस वीडियो के नीचे होता है ना कमेंट, आप वहाँ पे कमेंट भी कर दो ताकि मैं कमेंट पढ़ के आपसे लाइव होके बात भी कर सकूँ। और इतना ही था, और अच्छे से पढ़िए, आप चैनल सब्सक्राइब करिए ना करिए, लाइक करिए ना करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यूट्यूब बना रहा हूँ वीडियो सिर्फ आपके पढ़ने के लिए, कोई पैसा या कुछ ऐसा कोई भी सपना नहीं है। तो सिर्फ आप पढ़िए, सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है, लाइक की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़िए। लेकिन आप क्वेश्चन जो है ना पूछना ना भूलें, अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो क्वेश्चन पूछना ना भूलें, मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे लाइव एसएमएस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक टून, गुड बाय।